तू क्या कर रही है ये? अब कहाँ जाना है? मेरे रूम पे। तो हेलो गाइस, देखो मैं कहाँ आ गई हूँ यार। बाल तो देखो कितने लंबे लंबे हो गए, पर चलो। लाइब्रेरी जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही मैंने फ्रेंड को कॉल किया और फ्रेंड ऑफिस से आ गई थी और मैं आ गई हूँ अभी सेक्टर 22। उसके रूम के पास पास ही पहुँच गई हूँ। मेरी फ्रेंड है, मिलूँगी मैं काफ़ी टाइम के बाद, वो मेरी स्कूल फ्रेंड है। और चलो चलते हैं, मिलते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ, उसको डायरेक्शन देनी नहीं आ रही थी, इतना घुमाया उसने, पूरे सेक्टर 22 घुमा दिया। तो मैं तो आ गई हूँ, अब वो ऊपर से आ रही है। भाई बहुत टाइम लगा रही है वो, पता नहीं मेकअप मुकअप तो नहीं कर रही। ये वाला पार्ट तो पहले शूट हो जाएगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैंने इसके बारे में ये बोला हुआ है। पर भाई उसको बहुत टाइम हो गया है और अभी तक नहीं आई, पता नहीं कल सुबह तो नहीं निकलेगी। जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम अंकिता है, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, 6th या 7th से साथ में पढ़े हुए हैं। और भी थे मेरे स्कूल फ्रेंड्स यहाँ पर वो चले गए, अभी एक इकलौती बच्ची हुई चंडीगढ़ में। फाइनली इससे आज मैं मिल रही हूँ और अब चलते हैं कहीं घूमने। तो एक बार वो आ जाए तो फिर चलते हैं कहीं घूमने, पर वो निकली नहीं थी तो फाइनली आ गई। तो फाइनली हमारी दोस्त अंकिता आ गई। भाई इतना टाइम हो? नहीं मत दिखा, मत दिखा। चल ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, आजा बंद है। अब ये थोड़ा टाइम लेगी ब्लॉग में आने के लिए, तो इधर टाइम कहाँ लगा तेरे को? नहीं देख रही, मैं खुद को दिखा रही हूँ। टाइम कहाँ लगा तुझे? बस आ रही थी। अभी मैं और अंकिता घूम रहे हैं, अंकिता और हम दोनों अकेले हो गए। अंकिता की एक दोस्त है, मिलेगी हम आपको सेक्टर 21 में। अभी जा रहे हैं हम सेक्टर 21 और अंकिता को बोला मैंने लोकेशन देख। जिसको तो पता ही नहीं लग रहा, वो कह रही है हम कहाँ पर है। तो अगर अंकिता का साथ रहा तो अब आज हम शायद ही पहुँच पाएंगे सेक्टर 21। और मेरे पीछे ऐसी छुप गई है कि उसके बाजू तक नहीं दिख रहा, वो बाजू दिख गया। अभी हम मस्त ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं गाइस, और हम रचना, पलक, रंजना और कौन होता था, छबील, सबको मिस कर रहे हैं। मैं इसको ले जा रही थी सेक्टर 15 मोमोज खिलाने, कहती कि मैं डाइटिंग पे हूँ। मैंने कहा तू भी? तो ऐसा सीन है, अभी मोड़ आ गया तो मेरे को नीचे रखना पड़ेगा कैमरा, पर चलो कोई नहीं, मैं काट लूँगी एक हाथ से ही। गिर गए तो गिर गए। ये अभी हम सेक्टर 15 में ही हैं और पीछे अंकिता ने हेलमेट पहन लिया है, आगे पुलिस है। ओके बाय। और प्रेरणा को भी हम मिस कर रहे हैं, आज उसका बर्थडे भी है। स्पेशल विश आया प्रेरणा के लिए। तो अभी हम घूमे जा रहे हैं ना, ये अंकिता कुछ खिला रही है, कह रही है कि चल घूमते 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 फिर हम चक्कर खा जाएंगे। ये लोकेशन कोई देख, मुझे पता लग रहा है इस बंदी को मैंने ये काम दिया लोकेशन का। और अब कह रही है कि लोकेशन भी तू ही देख। भाई मैं चलाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ और लोकेशन भी मैं यार। वो कनिका नहीं है, कनिका उसका भाई रहता है यहाँ पे, क्या नाम है उसका, सौरभ। तन्नू चंडीगढ़ में भाई उसके घर में तो वो है लिफ्ट। अभी तक है क्या? मैं दिख रही हूँ इसमें। चीची। एक फ्रेंड हुआ करती थी, हुआ करती है शायद। तो वो कहती थी कि मेरे ना घर में लिफ्ट लगी है। हमने कहा अच्छा, हमारे तो घर में सीढ़ियाँ नहीं लगी, तुम्हारे लिफ्ट लगी। अंकिता जाना कहाँ है? गाना गा रही है। भाई मेरा हाथ दर्द कर रहा है। चल तेरे को मैं कॉलेज दिखाती हूँ अपना। तो हमें जाना था सेक्टर 21 और हम पहुँच गए हैं अपने कॉलेज सेक्टर 10 DAV कॉलेज चंडीगढ़। यहाँ पे देखो भीड़ भड़ाका, गेट गुट खुला है, शायद लगता है टाइमिंग बढ़ गई है। अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं। हेलो तेरे को बोल रही हूँ मैं। मैं इसको हेलो कहती हूँ, ये अंकल। भाई गाड़ी में बैठे हुए अंकल, ये अंकल को देख रही है। अभी तो मैं अंकिता की स्कूटी चला रही हूँ, बाइक हमने इसके रूम के पास खड़ा के रखी है।
क्योंकि बाइक में आवाज़ आती है ना, तो अभी ये तो इसकी स्कूटी लेके आए हैं। अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी हुई है स्कूटी। हाँ एक्चुअली ना अंकिता डॉक्टर है, तो यार ये जो मेरे दांतों का गैप नहीं अंकिता, मेरे दांतों यार ये बढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। किधर आगे पुलिस है? पुलिस है आगे। तो भाई अंकिता का हो गया एक साल, बंदी घर नहीं गई अपने, और इसने पैसे की जो नोट छुपा छुपा के अब मेरे को ये महंगे रेस्टोरेंट ले जा रही है। क्या खिलाने? मोमोज हैं? मोमोज भाई कुछ बड़ा बोल, हक्का नूडल। हक्का नूडल खिलाने। तो अभी हम जा रहे हैं अंकिता के हॉस्पिटल, हम अभी कहीं भी नहीं रुके, कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो दिख रही भाई वो है आईवीएफ, देख लो जो ये दिखाना जाती है। मुझे समझ नहीं आया, एक कैफे है यार, ये कैफे खुला है अभी। अच्छा कैफे खुला है, सबसे महंगा कैफे। पर सुबह पराठे वाली गली है सबसे फेमस, सेक्टर 22 में भी तो एक पराठे वाली गली। हमारी गलती ऐसी हो गई कि हम रात को निकल गए, अब कहीं पे दिख रहा है भाई रात को ही मजा है, तो पह रहे थे गर्मी में। नहीं अब तो ठंड पड़ गई है। अक्टूबर के बाद तो ठंड होती है। चलो गाइज इसका हॉस्पिटल मिस हो चुका है, पीछे ही था, और अब इसको अब छोड़ देते हैं, इसने मेरा बहुत दिमाग खा लिया और भूख भी लग रही है। चलो बाय। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17, अंकिता स्ट्री गुनारी है, और वो देखो नीचे, ये देखो मस्त बनाया हुआ है जो सेक्टर 17 नहीं है, वो देखो नीचे ये बिल्कुल टनल बनाया हुआ है, और यहाँ पे म्यूजिक हो रहा है। अंकिता मेरी स्नैपचैट बना रही है। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे गाने, और हम क्या कहते थे, हमने ले रहे थे और हमने ले लिया, अब देखना कल। और ये जो स्नैपचैट ले रही है, भाई यहाँ पे तो मस्त सीन है, और देखो निकलते हैं अब नेक्स्ट। अब कहाँ जाना है? मेरे रूम पे। तो चलो चलते हैं, और कभी दिन जैसे में मिलते हैं। हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे देखो लाइट कितनी बढ़िया आ रही है। तू क्या कर रही है ये? सिर्फ लाइटों के पास ही रुक रहे हैं, और ऐसे हम रुक ही नहीं रहे क्योंकि बंदी मेरे को बता ही नहीं रही है जाना कहाँ है। हाँ अब बता दी जब मेरे को पता है। इसने मेरे को भाई मोटो राइड ही करा दी, इसने स्कूटो राइड। तो ये हाँ ये मेरी दोस्त अंकिता है, जब ये आई थी तब ये शक्ल छुपा रही थी, अब ये कॉन्फिडेंट हो गई है। ओह अच्छा अभी भी शक्ल छुपा रही है। इधर जैसा बता जोर से बोलना क्या इस, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम कुल्लू दशहरे में जा रहे हैं अपना सब अपना सामान लेने, हेलमेट तो देते जाओ। सुन अब क्या कहते फिर अब बाय। इधर जैसा आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक करना। तो आज इसी के साथ अंकिता के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग को एंड, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब।